वहीं जननायक जनता पार्टी द्वारा कार्तिकेय शर्मा की जीत के बाद अंबाला पहुंचने पर पार्टी कार्यालय पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्तिकेय शर्मा का जेजेपी नेताओं द्वारा पूरे जोश के साथ स्वागत किया। जेजेपी नेताओं ने विनोद शर्मा के परिवार की जनसेवा भावना की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि कार्तिकेय शर्मा अंबाला के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने इस जीत का सूत्रधार दुष्यंत चौटाला को बताते हुए पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया। जेजेपी के जिला प्रधान दलबीर पुनिया ने कहा कि विनोद शर्मा के राज में जितना विकास अंबाला में हुआ था उतना आज तक कभी नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि कार्तिकेय शर्मा भी इसी तर्ज पर काम करते हुए अंबाला के लिए काम करेंगे। ना मेरा बोलने का बनता है, आज तो आप सबका दिन है और खास करके जननायक जनता पार्टी का, जिन्होंने ये सब पॉसिबल होने दिया। आज उनकी वजह से कार्तिक की जीत थी, वो उनका सेहरा उनके सिर पे बनता है। और भी जो बहुत सारे निर्दलीय MLAs थे और भी पार्टीज थी जिनका सपोर्ट था, उनकी वजह से और बहुत सारा प्यार और समर्थन उसको हर तरफ से मिला, तभी वो ये जीत के आ सका है। आपका, अंबाला वासियों का, खास करके जिस जगह मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ, आप सबका आशीर्वाद, प्रेम और मार्गदर्शन इस बच्चे को आप दिखाएं, ताकि ये अंबाला की प्रगति और बढ़ा सके और अंबाला के लिए जो भी कार्य हैं जो बीच में अधूरे छूटे हुए थे उनको गति देके आगे बढ़ा सके। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं दो चार बातें आपके सामने रखूँगा। अंबाला शहर से बहुत प्यार मिला है, अंबाला शहर के लिए बहुत काम किया है, विनोद शर्मा जी ने बहुत काम किया और जो कहा वो किया अंबाला शहर के लिए। आज सबके सौजन्य से मुझे मौका मिला है कि हर राज्यसभा सांसद को मौका मिलता है एक डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट करने का, तो मैं आज आपके मन से कहता हूं कि मैंने अंबाला डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट करने का फैसला। जो मेरे पिताजी ने काम अंबाला शहर में किया, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उसी तरीके का काम मैं अंबाला जिले में करूंगा, सिर्फ अंबाला शहर में नहीं करूंगा, अंबाला जिले में करूंगा। मंदीप जी ने कहा कि जरूर भाई साहब आप बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा और जो मेरे लायक होगा वो भी और जो नहीं होगा वो भी करूंगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा शहर है, ये मेरा परिवार है, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आप, और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है। ये हमारा जो मैदान था वो फतेह किया है कांग्रेस को हरा के, हरियाणा में एक नई शुरुआत की है कि इतनी कम वोटें होते हुए भी फिर भी हम जीत के पास पहुंचे। ये काम केवल शर्मा जी ही कर सकते थे जो कि इन्होंने किया, इन्होंने अपना रुतबा बनाया है और अच्छे काम किए हैं। कांग्रेस के मेरे ख्याल में जो 50 साल के टाइम में जितना काम हुआ होगा उतना शर्मा जी के टाइम में हुआ है। बाकी अब यहाँ हम सभी मिलकर जननायक जनता पार्टी और शर्मा जी आगे भी अंबाले की डेवलपमेंट के लिए हर काम की कोशिश करेंगे, उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि शर्मा जी हमारे अंबाला की और हरियाणा की राज्यसभा में भी आवाज़ उठाएंगे और वहाँ से ज़्यादा ग्रांटें लेकर अंबाला को और हरियाणा को खुशहाल करेंगे। आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर बताइए।